तो दोस्तों अगर आप भी एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो, अपनी शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हो और आपकी जो शॉर्ट वीडियो वो बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप जो अपनी शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हो वो गलत तरीके से करते हो, गलत टाइमिंग पर अपलोड करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है वो शॉर्ट फीड में नहीं जाती है और आपकी वीडियो पर बिल्कुल व्यूज नहीं आते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहिए, किस टाइम पर अपलोड करना चाहिए और किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको वो शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और शॉर्ट फिट पर काफ़ी ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। जैसे कि आप साइड में वाली स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पर ये एक बंदे का चैनल है जो अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड करता है और ये जितनी भी आप वीडियो देख रहे हो इसकी पॉपुलर वीडियो है और इसकी हर एक वीडियो पर आपको मिलियन व्यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप पहली वीडियो देख सकते हो 150 मिलियन व्यूज़, दूसरी पर 140 मिलियन, 120 मिलियन, 120, 100 मिलियन, तो इस तरीके से इसकी हर एक वीडियो पर मिलियन व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये बंदा जो है क्या ट्रिक अप्लाई करता है, किस टाइम पर अपनी वीडियो को अपलोड करता है, कैसे अपलोड करता है और कुछ इस तरीके से आप भी अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी वीडियोस रैंक भी करेगी और आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे। तो चलिए गाइस अब आपको करना है, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करते समय याद रखना है कि आप अपनी वीडियो को फोन कैमरे से शूट करना, जिसकी वजह से आपको बाद में अपनी वीडियो को एडिट करने में आसानी हो। और अगर आप कोई फैक्ट वीडियो या कॉपी पेस्ट करके वीडियो को अपलोड करते हो तो एक अच्छी सी वीडियो को वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और गाइस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप 15 सेकंड की वीडियो बनाते हो तो 15 सेकंड में ऐसी वीडियो बनाना कि उस वीडियो में कन्फ्यूजन या सस्पेंस हो, जिसकी वजह से ऑडियंस आपकी वीडियो को लगातार 3 से 4 बार देखे, जिसके साथ आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और आपकी वीडियो वायरल भी होगी। और वहीं पर अगर आप 60 सेकंड की वीडियो बनाते हो तो वीडियो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को आपकी वीडियो 60 सेकंड में समझ में आ जाना चाहिए और जितना हो सके अपनी वीडियो को 60 सेकंड से कम रखना, मतलब कि 55 सेकंड में एंड कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो शॉर्ट वीडियो वो लॉन्ग वीडियो में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, आपकी वीडियो पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जितना हो सकता है अपनी वीडियो को 60 सेकंड से कम रखना, 55 सेकंड में एंड कर देना। तो गाइस जितना हो जाने के बाद आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है तो इसके लिए आप काइनमास्टर VNN ऐप का यूज़ कर सकते हो, दोनों ही काफ़ी अच्छे ऐप है। मैं एक लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हूँ इसलिए मैं काइनमास्टर ऐप का यूज़ करता हूँ, अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो तो आप VNN ऐप का यूज़ करते हो, काफ़ी अच्छा ऐप है शॉर्ट वीडियो का एडिट करने के लिए। तो चलते हैं अपने काइनमास्टर ऐप की तरफ। जैसे कि हम अपने काइनमास्टर ऐप को कर लेते हैं ओपन, एक सेकेंड, ये हमने अपने काइनमास्टर को करा ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी वीडियो को पहले से एडिट कर रखा है, जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये मेरी वीडियो है। तो फ्रेंड जैसे कि अगर आप ही क्रिएटर हो तो आप तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट करा है, इसकी जो बैकग्राउंड वॉइस है वो भी अच्छी आ रही है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी क्लियर आ रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर अभी आपको सेव नहीं करना है, यहाँ पर एक ट्रिक लगाना है। जैसे कि हम चलते हैं वीडियो के एंड में, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वीडियो का एंड यहाँ पर हो रहा है, तो वीडियो के एंड से पहले थोड़ा सा जस्ट पहले आपको एक फोटो को ऐड कर देना है। जैसे कि हम चलते हैं गैलरी में, यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये फोटो है, इस फोटो को ऐड कर देना है। जैसे कि इसको कट करते हैं, ये वाला फोटो है इसको ऐड कर देना है, इसको पूरा क्रॉप कर लेते हैं, मतलब कि फुल कर देते हैं। अब मैं आपको बाद में बताता हूँ ये मैंने फोटो क्यों लगवाया है, किस तरीके से आपकी वीडियो इससे वायरल हो सकती है। तो यहाँ पर आपको फोटो को ऐड कर देना है, इसको इतना लगाना है कि हाँ भाई एक मतलब एक क्लिक में एक क्लिक ही आए इस फोटो का वीडियो में। जैसे कि हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ कट कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा काफ़ी छोटा हो गया, इतना कर देते हैं। तो यहाँ पर इस फोटो को ऐड कर दे, इतना करने के बाद अब आपको अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। जैसे कि हम सेव कर देते हैं, यहाँ से जाने के बाद इसको वीडियो को सेव कर लेते हैं। वीडियो को सेव करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ आगे क्या करना। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो हमारी वीडियो सेव हो गई है, अब हमको करना है अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना है। तो इसके लिए चलते हैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पर। जैसे कि हम चलते हैं यूट्यूब, हमने ओपन किया, यहाँ पर हमको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएटर शॉर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देना है। जैसे कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो है इस पर क्लिक करते हैं, हमारी जो वीडियो है प्ले हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी वीडियो को, यहाँ पर हमको डन कर देना है। जैसे हम डन करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, मतलब कि हमारी वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो हमारी वीडियो का जो प्रोसेसिंग है वो खत्म हो चुका है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको राइट वाले पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी। अगर अब भी आप अपनी वीडियो में कुछ एडिट करना चाहते हो, जैसे कि साउंड, टेक्स्ट, टाइमलाइन, फिल्टर कुछ भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो की डिटेल को भरना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी वीडियो में एक ट्रिक लगाना, मतलब कि यहाँ पर एडिट वाले पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है, थंबनेल लगाना अपनी वीडियो का। तो जो मैंने आपको फोटो बताया था कि क्यों लगाया वो इस वजह से लगाना है, मतलब कि अपनी वीडियो का थंबनेल बनाना है। जैसे कि इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, जहाँ पर आपने फोटो लगाया था वहीं पर इस वीडियो को रोक देना। जैसे कि ये वाला हमारा फोटो है,
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने ये फोटो लगा दिया है, हमको डन पे क्लिक कर देने, जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे हमारा जो थंबनेल है अच्छा लग रहा है और लग चुका है। अब हमको अगर हमने अपने वीडियो में टाइटल देना है तो टाइटल में आप लिख सकते हो, मतलब कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो प्ले बटन के ऊपर बनाई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब प्ले बटन, जैसे कि एक टैग इन यूट्यूब प्ले बटन, प्ले बटन, यूट्यूब प्ले बटन मैंने लिख दिया यूट्यूब प्ले बटन। अब हमको करना अपनी वीडियो में हैशटैग लगाना, तो आपको वायरल हैशटैग लगाना, जैसे कि हैशटैग आपको सबसे पहले हैशटैग लगाना हैशटैग शॉर्ट्स, जैसे कि आप ऐसे अच्छो लिखोगे यहाँ पर आ गया हैशटैग शॉर्ट्स, इसको लगाना है और फिर दोबारा लगाना है हैशटैग शॉर्ट, दोबारा से लिखना है। एक और वीडियो मतलब एक और हैशटैग है जो कि शॉर्ट है, 13 करोड़ व्यूज़ है, एक पे 63 करोड़ वीडियोज़ है, तो इसको भी लगा देना है। इतना करने के बाद आपको एक हैशटैग लगाना हैशटैग वायरल, जैसे कि हम लगा देते हैं हैशटैग वायरल, ये भी लगा दिया। अब एक और हैशटैग लगाना है आपको हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, जैसे कि हम लगाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। ये चार हैशटैग आपको जरूर से अपनी शॉर्ट वीडियो में लगाना है, जिसकी वजह से आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो काफ़ी जल्दी रैंक करेगी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपनी वीडियो को अनलिस्टेड पर रखना है, यहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो गाइस जैसे कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो वो अपलोड हो गई है, चलिए अब चलते हैं अपने व्हाइट स्टूडियो में। जैसे कि हम आ गए अपने व्हाइट स्टूडियो में, यहाँ पर हमको कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो हमारी जो शॉर्ट वीडियो वो अपलोड हो गई है, इस पर क्लिक करना है। आपको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो थंबनेल है वो सेट हो चुका है, हमको ये वाला थंबनेल चाहिए था। हमको करना है पेंसिल वाले बटन पर मतलब कि एडिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको करना है आपको एड डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको करना है ये जो टाइटल है इसको पूरा कॉपी कर लेना है। जैसे कि हम इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, पूरा कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले पर जाना और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बस आपको इतना सा काम करना है, यहाँ से बैग आना है। बैग आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे ऑप्शन दिख जाएगा मोर ऑप्शन का, टैग्स कैटेगरी एंड कमेंट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपने सब कुछ सेट कर रखा होगा अपनी कैटेगरी वगैरह, अगर आपको कैटेगरी नहीं पता तो आई बटन में आपको वीडियो दिख जाएगी, वहाँ से आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो कि आपकी जो वीडियो बनाते हो वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है यहाँ से आपको अच्छे से टेक्स्ट को ऐड कर देना है। अब आपको टेक्स्ट कहाँ से लेने, वायरल टेक्स्ट कहाँ से मिल सकते हैं, तो इसके लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है अपने, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है टैग जनरेटर, जैसे कि हमारे सर्च है टैग जनरेटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट दी जाएगी रैपिड टैग्स करके, यूट्यूब टैग जनरेटर एंड ऑप्टिमाइजर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा एंटर योर टैग, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेट मतलब कि सर्च कर सकते हो टैग जो आपकी वीडियो है वीडियो से रिलेटेड टॉपिक्स पर। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करें, जैसे कि शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करें, एक सेकंड वायरल करें। इतना करने के बाद हमको ये सर्च करना है, तो हम सर्च करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। देखो जैसे कि हमारा जो है बैक करते हैं, ये हमको टैग्स मिल चुके हैं, इसने वायरल ये जितने भी टैग्स ये दे रहा है ये सारे वायरल टैग्स हैं, इनको यहाँ से कॉपी करके आपको अपने टैग्स में ऐड कर देना है। तो चलिए फिलहाल मैं अभी कॉपी नहीं करता हूँ, आप कॉपी करके अपने टैग्स में ऐड कर लेना, यहाँ पर आपको ऐड कर देना। इतना करने के बाद आपको अपनी वीडियो को सेव कर देना है। सेव करने से पहले याद रखना अपनी वीडियो को पब्लिक करना है, तो पब्लिक के लिए विजिबिलिटी दिखेगी, इस पर क्लिक करना। आपको पब्लिक तुरंत से नहीं करना है, शेड्यूल वाला ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आज 12 है, ये एक दिन आगे की डेट देता है, इसलिए 12 है आज। ओके पे क्लिक करना है आपको, जैसे ही ओके पे क्लिक करो यहाँ पर टाइमिंग आ जाती है, तो मैं आपको बेस्ट टाइमिंग बताता हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो गाइस देखो अगर आप सुबह के टाइम अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो 7 से 9 बजे तक के बीच में आपको अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए, मतलब कि सुबह के 7 से 9 बजे तक के बीच में। अगर आप दोपहर के टाइम अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो तो आपको 12 से 1 बजे तक के बीच में मतलब कि 2 बजे तक के बीच में आपको अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। अगर आप शाम के टाइम में अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो आपको 4 से 6 बजे तक के बीच में अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देना चाहिए। ये जितनी मैंने आपको तीनों टाइम बताया तीनों बेस्ट टाइम है। और गाइस जितना हो सकता है आपको एक दिन में कम से कम 3 वीडियो को अपलोड करना है, मतलब कि तीनों मैंने जो आपको बेस्ट टाइम बताया उन तीनों टाइम पर एक एक वीडियो को अपलोड कर देना, आपकी जो शॉर्ट वीडियो है जरूर से वायरल होगी, आपकी वीडियोस पर व्यूज भी आएंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करना है, एडिट करना है एंड बेस्ट टाइमिंग पर अपलोड कर देना है, डेफिनेटली आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी शॉर्ट वीडियो पर भर भर के व्यूज़ भी आएंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।